सर कैसी लगी मूवी? सर बताइए, आइए इधर। अच्छी है, बहुत अच्छी पिक्चर। जैसा सोच के आए थे वैसे फिल्म थी? बहुत अच्छी पिक्चर थी, जैसा सोचा वैसा ही बताया, और हिंदू लोगों को जागना चाहिए फिल्म देखकर। आप बताइए। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मेरे सभी भाइयों को, बहनों को जय श्री राम। मैं देव प्रताप सिंह नांगी ब्यावरा से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने हिंदू बहनों को बताना चाहूंगा कि आपका अब्दुल वैसा ही है जी। जैसा हम देखते आ रहे हैं वो वैसी प्रथा चलती आएगी, तो आप सभी जागरूक बने। दूसरी बात यह है कि ऐसी मूवी हर हिंदू को देखनी चाहिए, उनको अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए, अपनी बेटियों के साथ बतानी चाहिए, जो भाई है उनको अपनी बहनों को साथ बतानी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को तो तुम ले जाते हो मूवी देखने, लेकिन ऐसी मूवी को अपनी बहनों को क्यों नहीं बताते जो रियल घटनाओं पर आधारित है। भाई तुमने कश्मीर फाइल देखी, ये सारी पिक्चर देखी, जो ये बॉलीवुड गैंग बेटा है, जो मतलब ओरिजिनल जो सच्ची मूवी उनको प्रोपोगेंडा बताता है, जो प्रोपोगेंडा मूवी है जैसा पीके आमिर खान हमारे पैसे दे के हमारे भगवानों को ऐसा करता है, ब्लॉकबस्टर हिंदुओं की गलती है, ऐसा होता रहेगा। अगर आप आज नहीं जाके, ये मेरी लास्ट जनरेशन है, 19 साल का हूँ, लास्ट जनरेशन है, अगर इसके बाद अगर कोई नहीं जागा, हमारी जनरेशन नहीं जागी, मतलब कोई इस्लामिक राष्ट्र बनने से कौन रोकेगा फिर। तो यह फिल्म सबको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, अपने सोशल मीडिया पर लिखें, बोलें, बात करें इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिकों के बारे में बात करना स्टार्ट करें यार। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बात करने से तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी ना। जय श्री राम। सभी देखें, आने वाले समय में यही होगा, अभी से सोच ले और समझ ले कि ये क्या हो रहा है जी जी। ये लाइव दिख रहा है अभी, सतर्क ये बाद में होना ही है, ये सब कुछ भी कर लो, अगर जागरूक नहीं हुए तो बाद में ये सब होना ही है, भुगतना ही है, याद रखो, कट्टर बनो। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मूवी सभी को देखनी चाहिए, सबसे अच्छी मूवी है, इससे सीखना चाहिए, सभी बहनों को देखना चाहिए, सभी भाइयों को आके देखना चाहिए, सबको अपने परिवार के साथ में देखना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसके बाद एक और चीज कहना चाहूंगा, महंगाई बगैर इन्फ्लेशन सब बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ये दुख कहते हैं देश बिक रहा है, वोट अपना सही संभाल के दीजिए। आज बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, क्या हो रहा है केरला में, क्या हो रहा है, ये मूवी वहाँ पे बैन कर दी है, पूरा प्रोपोगेंडा, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही मूवी में बताया गया, पुलिस वालों ने कंप्लेन तक नहीं लिखी यार, और क्या कहोगे आप, ये देश का सिस्टम है। सर आप बताइए। मूवी बहुत अच्छी थी, और सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने को अपने धर्म के बारे में जागरूक रहना चाहिए, यानी कोई अगर अपने को दूसरे धर्म के बारे में बताता है तो अपने को भी अपना धर्म पता होना चाहिए और अपने को उसको बताना चाहिए। वो लड़कियों को क्या फिल्म देखकर कुछ सीख मिलेगी, लड़कियों को देखना चाहिए? लड़कियों को यही सीख लेना चाहिए इससे कि एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व रखें, अगर कुछ रिलेशनशिप में जा भी रहे हैं, और पहले अपने धर्म को लेकर चले, और किसी भी दूसरे धर्म पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा कम करें चीजों के लिए, धर्म का भरोसा रखें दूसरे, हाँ दूसरों पे, मतलब उसको उनका करने दें, अपन अपने धर्म पे बिलीव रखें जी जी, और किसी को भी अपनी जात नहीं बतानी चाहिए, सबको हिंदू ही अपना रिलीजियस बताना चाहिए। बिल्कुल सही है वो। तो सर बताइए आपको कैसे जी। देखिए क्या होता है, मेजरली उन्हीं लड़कों का, लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा है जिन्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, तो वो जल्दी ब्रेन वॉश हो जाती है और जल्दी उनके बहकावे में आ जाते हैं, और ये सिर्फ केरला की स्टोरी नहीं है, सारी स्टेट्स में ये सारी चीज़ चल रही है, और हमें पता है हमारे आसपास में ऐसे लोग घूमते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। लड़कियों को सबसे पहले ये मूवी देखना चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि अगर हमें गलत प्रूफ करके अपने अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो हमें सतर्क होना चाहिए, और हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं आज के तारीख में। लोग बजरंग दल का विरोध करते हैं, आरएसएस का विरोध करते हैं, तो ये विरोध करने वाले जो है दल नहीं है, इन्हें पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें चल रही, ताकि रुक सके, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बहनें इससे सतर्क हो, और आगे जो बोलना चाहिए कि एक हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करते हैं वो स्थापित होगा, और उसके लिए हमारी बहनों को भी आगे आना होगा। सर फिल्म में ये सही से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है, अच्छे से बताने में कामयाब होती है फिल्म जी? बिल्कुल अच्छे से कामयाब होती है फिल्म, क्योंकि वो एकदम स्टार्ट टू द बेसिक से बताते हैं कि पहले वो आपको बताएंगे कि आप गलत हो, फिर वो बताएंगे कि आपको सही कैसे करेंगे, तो आप हमारे साथ आइए, इस्लाम फॉलो करिए, आप सही हो जाओगे, उसके बाद वो बहकाव में आती है, तो एकदम बिल्कुल बोलना चाहिए एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती है मूवी, और सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन की गई है। आजकल के जो निब्बियाँ हैं छोटे छोटे, जो अपने समझते हैं कि मेरा अब्दुल अलग है, उन लड़कियों को समझ आएगी ये फिल्म देखने के बाद? जी बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि उस फिल्म में कैरेक्टर है अब्दुल, और जो अब्दुल की हरकतें हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से कि वो अपने अब्दुल के साथ ही मूवी देखने आए, और होपफुली उसके बाद में शायद वो अकेली यहाँ से निकलेगी, अब्दुल को छोड़ देगी, और फिर भी अगर अब्दुल के साथ जाती है तो तैयार रहे, जिस तरीके की हरकतें शालिनी और जो भी एक दूसरी कैरेक्टर लड़की थी उसके साथ हुई, ये सारी रियल स्टोरीज हैं, ठीक है, तो रियल है, ठीक है, सारी रियल है, तो अगर वो चाहती है कि उनके साथ भी ऐसा हो तो डेफिनेटली वो यहाँ से अब्दुल के साथ ही जाए, लेकिन अगर अब्दुल के साथ आ रही है तो मूवी देखने के बाद मुझे इतना लगता है कि वो अब्दुल को छोड़ के यहाँ से जाएगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि ऐसे आए, और अगर फिल्म देखने के बाद भी समझ नहीं आई तो फिर सूटकेस या फ्रिज? सूटकेस या फ्रिज, आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी। थैंक यू, आइए।
ये मूवी लव स्टोरी पे बनी, लव जिहाद पे बनी हुई है, जैसे कि केरल में आज भी चली रहा है कि लव जिहाद को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, आज इंदौर में भी ऐसे ही केसेस आए दिन देखे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को हिंदू बन के ही बातचीत करी और शादी करी। जब उसकी सोनोग्राफी की बात हुई तो उसका आधार कार्ड लेने की बात हुई, तब जाके पता चला कि ये मोमेडियन है। ऐसी घटना आए दिन हमारे सामने आती जा रही है। मैं हिंदू बहनों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी अगर जो मुस्लिम लड़के से विश्वास तभी करे, विश्वास कभी ना करें, क्योंकि वो कभी भी झूठ ही बोलते हैं, कभी भी सही बोलने की बोलते ही नहीं है। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था एक बार कि मुस्लिम लड़के अगर जो कहीं हाथ में तेल में हाथ डाले और फिर अगर जो अपने तेल 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 में हाथ डाले और उसके बाद अगर तिल्ली के अंदर भी हाथ डाले और जितने तिल बाहर आए उसके बाद भी अगर जो बोले कि बोले इतनी बार कसम खाए और बोले कि बोले ये सही है, तो भी आप उस पर विश्वास मत करना। उस बात को ये पिक्चर सार्थक कर रही है जी। और आज भी हम देखते जा रहे हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। तो क्या लगता है इस फिल्म को पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा और सबको देखना चाहिए फिल्म? पब्लिक को सपोर्ट तो हमेशा हम हिंदू भाइयों को देना ही जरूरी है। नहीं, आज फिल्म वैसे भी बहुत पब्लिक देखने आई है। देखो पब्लिक तो देखने आई है, बट मैं अगर जो देख रहा हूँ उस बिहाव पे कि आज बहुत कम है जो देखने जरूरी है, क्योंकि अब सभी को आना जरूरी है। अगर जो ना देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भाइयों और बहनों के साथ क्या हालत हो रहे हैं? तो सच्चाई को बराबर दर्शाती ही है फिल्म? सच्चाई को बराबर दर्शा रही है, और सच्चाई में भी ये तो एक मुश्किल से 5% दिखाया जी, गया जी, है। हकीकत तो बहुत कुछ है। आउट ऑफ 5 कितने रहेंगे फिल्म को? 5/5। थैंक यू सो मच सर।